अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 53 और टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स। और इसी के साथ एक हम टेबल है हमारे पास, वो हम डिटेल के साथ देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के लिए। तो क्लास, सबसे पहले हम प्लेटलेट्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उसका फंक्शन, फिर लाइफ पीरियड और इस तरह से बाकी डिस्क्रिप्शन रीड्स करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। द सेकेंड नेम ऑफ द प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं या प्लेटलेट्स हैं, ये सेल्स नहीं हैं, ये लार्ज फ्रैगमेंट्स हैं सेल्स के। जैसे कि बोन मैरो जो सेल्स होते हैं उनके फ्रैगमेंट्स हैं, जिनको मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले यही डिस्क्रिप्शन है, दीज आर नॉट सेल्स। क्यों सेल क्यों नहीं है? हम सेल उस चीज को कहते हैं जिसमें तीन चीजें बेसिक मौजूद हो, एक उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट हो या न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो और तीसरा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। जो प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही आप कह सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से इनको हम सेल्स नहीं कहते हैं। दीज आर सेल लाइक बॉडीज। क्लियर? आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ द लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो विच इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेगा कैरियोसाइट्स। तो बोन मैरो के वो लार्ज सेल्स, वो फ्रैगमेंट्स जिनसे प्लेटलेट्स जो है ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्लास उसके बाद है, मैंने अभी बताया कि इनको हम सेल नहीं कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। इनके पास ना तो कोई न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई पिगमेंट होता है, इस वजह से ये कोई इनका कह सकते हैं कलर नहीं है। नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स इन वन क्यूबिक पर मिलीमीटर। तो जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर, जो इनका नंबर्स है वो है 250,000, यानी 2.5 लाख जो है इसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं वन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर। एवरेज लाइफ पाम की बात करें तो ये 7 to 8 days, 7 से 8 दिन का इनका लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन वही है जो कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन का ब्लड प्लाज्मा के अंदर था, वहां पर उसका फंक्शन था ब्लड क्लॉटिंग। यानी अगर कहीं हमारी बॉडी के ऊपर कट लग जाता है तो उस कट वाली जगह को सील करने का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स का, जैसे कि हमारे पास फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। तो क्लास, जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं उनका काम भी यही है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कट लग जाता है तो उसको टेम्परेरी तौर पर सील करना, ताकि ब्लीडिंग ना हो और हमारा ब्लड जो है वो जाया ना हो जाए, उसको रोकने के लिए जो है वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट बना के उसको सील कर देते हैं। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, द क्लॉट सर्व एज द टेम्परेरी सील एट द डैमेज एरिया, इट विल द सील एट डैमेज एरिया एंड फॉर्म ब्लड क्लॉट, टेम्परेरी सील ब्लड क्लॉटिंग, टेम्परेरी ब्लड उसको ब्लीडिंग होने से बचाते हैं। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पस। व्हाट इज पस? तो क्लास, जब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जब वो जर्म्स के साथ फाइटिंग करते हैं तो फाइटिंग के दौरान ये खुद भी मर जाते हैं, और मरने के बाद जहां पर इंफेक्शन होता है, इंफेक्शन साइट के ऊपर एक व्हाइट कलर, व्हाइट येलो कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम कहते हैं पस। क्लियर है? द व्हाइट ब्लड सेल डाई, मर जाते हैं इन किलिंग द जर्म्स, द डेड सेल्स अकमुलेट एंड मेक व्हाइट सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड पस विच इज सीन एट द डैमेज साइट।
इट कैन बी सीन एट डैमेज साइड। तो ये हमारे पास आ गया पस। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब व्हाइट ब्लड सेल जर्म्स के साथ फाइटिंग करते हैं तो फाइटिंग के दौरान खुद भी मर जाते हैं, मरने के बाद जहां पर इंफेक्शन हुआ था वहां पर क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का मटेरियल अकमुलेट हो जाता है, उसको हम पस कहते हैं। क्लास नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर के इफेक्ट क्या है। क्लास डेंगू फीवर की वजह से जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो प्लेटलेट्स के नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज द शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ द डेंगू वायरस। और इससे क्या होगा, इससे ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग डिक्रीज हो जाएगी, और इससे ब्लीडिंग होती है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे नोज के ऊपर, गम्स के ऊपर, अंडर द स्किन, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। These are the symptoms of dengue fever. These are the effects of dengue fever. This is the important short question according to the annual paper. Dengue fever, there is a sharp decrease in platelets in blood. Blood के अंदर platelet cells के जो numbers हैं वो क्या हो जाते हैं, decrease हो जाते हैं, because of the patient blood, इनके patient क्या होता है, bleed करता है, खून का रस ने इसको ब्लीड कहते हैं, ब्लड फ्रॉम द नोज, नाक से, गम कह सकते हैं, मसूड़ों से, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, मसूड़ों से, नोज से और स्किन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब डेंगू वायरस की वजह से प्लेटलेट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास जनरल जो आपने पीछे पढ़ा है उसका टेबल दिया गया है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है और प्लस चार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। तो क्लास हमारे पास सबसे पहले है कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, उसमें दो चीजें हैं हमारे पास, एक प्लाज्मा है, दूसरा हमारे पास है सेल्स। 55% हमारे पास ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% जो है वो ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज होती है। प्लाज्मा की बात करें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिक्विड पोर्शन जो ब्लड का होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट, इसमें मोस्टली वाटर होता है, गैसेस होती हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, हार्मोन्स होते हैं और इसके अलावा सार्स प्रेजेंट होते हैं। अमाउंट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 55% जो हमारा ब्लड का प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। और फंक्शन क्या है, कैरीज ब्लड सेल्स, ब्लड प्रोटीन, हार्मोन, साल्ट, गैसेस एटसेट्रा। उसके बाद क्लास हमारे पास है सेल टाइप्स। सबसे पहले टाइप हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स, या इसको हम नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स जो है ये बाई कनकेव शेप के होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर गुब्बारा, गोल गुब्बारा लें, उसको हवा भर के दरमियान से प्रेस करें तो उसकी जो साइडें होंगी वो मोटी रह जाएंगी जबकि दरमियान से वो पतला हो जाएगा। तो दिस इज अ शेप ऑफ बाइकनकेव विदाउट न्यूक्लियस, कंटेन हीमोग्लोबिन। जब ये बनता है तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मेच्योर होता है तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, उसकी जगह पर एक 95% हीमोग्लोबिन प्रोटीन आ जाती है। नेक्स्ट है जी एवरेज लाइफ टाइम, सॉरी एवरेज नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने होते हैं। मेल्स की बात की थी तो हमने कहा था 5 to 5.5 मिलियन, फीमेल की बात की तो 4 to 4.5 मिलियन, यानी एवरेज निकालने तो 50 लाख, यानी 5 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर। और रेड ब्लड सेल का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसका काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लास व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम हमारे पास है ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल जो है ये हमारे पास, इनके अंदर मोस्टली जो है कहते हो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, दो टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डील किया था। उसके बाद है लार्जर इनसाइज देन रेड ब्लड सेल्स, ये एमसीक्यू में याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल से व्हाइट ब्लड सेल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद नंबर्स की बात करें क्लास, तो इसके अंदर 7500 पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स के नंबर।
7500। उसके बाद है हमारे पास प्ले इंपोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। आपने इसमें डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स पड़े थे, जैसे कि हमारे पास है ग्रेनोसाइट, ए ग्रेनोसाइट, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, दीज आर ऑल द डिफेंस मैकेनिज्म। ये जर्म्स को इंगल्फ करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, एंटीबॉडीज बनाते हैं, मेगा कैरियोस मैक्रोफेजेस कहलाते हैं, पैरासाइट को किल करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स के। उसके बाद ग्लास हमारे पास है प्लेटलेट, जिसका दूसरा नाम हमारे पास है थ्रोम्बोसाइट। फंक्शन क्या है इसका जी? इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग करना। और इसके नंबर्स की बात करें तो इसके नंबर्स होते हैं 250,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर। और ये सेल्स नहीं है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन मैरो विच आर नाउन एज मेगा कैरियोसाइट। दीज आर नॉट सेल्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, दे हैव नो पिगमेंट। क्लियर जी? तो ये आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पे में के अंदर याद करना है। तो ग्लास हमारे पास जो ये सेल्स की डिस्क्रिप्शन है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बाकी जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में तौर पर आपने अच्छी तरह से याद करना है, और बाकी टेबल को भी आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।